भारत के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर के अडानी ग्रुप को अब तक 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया है। और रुको, जरा सब्र करो, ये तो अडानी ग्रुप को मिले कुल कर्ज का सिर्फ 36% है। इसके अलावा ग्रुप ने 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज विदेशी सोर्सेज से लिया है। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप पर 31 मार्च 2024 तक 2,41,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये कर्ज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि ये अमाउंट इतना बड़ा है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पिछले 3 साल में लिए गए कर्ज के योग के बराबर है। तो ऐसे में सवाल तो कई बनते हैं, जैसे कि पिछले सालों में अडानी को कितना कर्ज मिला, कौन से भारतीय बैंक हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप पर इतना बड़ा दांव लगा रखा है, और सबसे जरूरी सवाल कि अडानी ग्रुप की कंपनियों का हाल क्या है, मतलब कर्जा जो लिया है वो चुका तो लेंगे ना। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। और आज के एपिसोड में मुख्यतः इन 3 सवालों के जवाब जानने के प्रयास करेंगे। साल 2023-24 तक अडानी ग्रुप ने करीब 2,41,000 करोड़ का कर्ज लिया है। इन्हें दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म लोन्स यानी कि वे लोन्स जिन्हें वापस करने की अवधि 1 साल से ज़्यादा होती है। ऐसे लोन्स अक्सर कंपनियां बिजनेस बढ़ाने या किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए लेती हैं। अडानी ग्रुप के कुल कर्ज का 92% यानी 2,22,000 करोड़ रुपया लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में लिया गया है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल लोन्स, यानी कि वे लोन जिन्हें पे बैक करने की अवधि 1 साल से कम होती है। इस कर्ज का इस्तेमाल अक्सर कंपनियां करती हैं अपने रोजमर्रा के काम में, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना है या रेंट चुकाना है, और आमदनी होते ही इस कर्ज को वो चुका देती हैं। अडानी के केस में कुल कर्ज का 8% यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल जो है वो वर्किंग कैपिटल डेट के फॉर्म में है। अब सवाल ये है कि अडानी ग्रुप ने लॉन्ग टर्म लोन्स किन अलग अलग सोर्सेज से जुटाए हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा अडानी ग्रुप ने भारतीय बैंकों से ही जुटाया है, तकरीबन 75,800 करोड़। इसमें भी अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा उधार मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ICICI, PNB और यस बैंक ने भी अडानी ग्रुप को समय समय पर बड़े बड़े लोन अमाउंट सैंक्शन किए हैं। लॉन्ग टर्म लोन के रूप में विदेशी बैंकों ने भी करीब 61,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है अडानी ग्रुप को। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने काफ़ी बड़ा अमाउंट कैपिटल मार्केट से भी उठाया है। कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। बॉन्ड में पैसा भुगतान की तारीख लिखी होती है। बॉन्ड खरीदने वाले को मूल के साथ निर्धारित ब्याज जो है, जो इंटरेस्ट है, वो भी उसको दिया जाता है। CNBC के मुताबिक अडानी ग्रुप ने भारतीय कैपिटल मार्केट से करीब 12,000 करोड़ रुपए और विदेशी कैपिटल मार्केट से 69,000 करोड़ जुटाए हैं। ये तो लॉन्ग टर्म लोन्स की बात हो गई। अब समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल लोन्स, उनकी स्थिति क्या है। तो जैसा कि आपको बताया था कि अडानी ग्रुप के सर पर करीब 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज है वर्किंग कैपिटल डेट के फॉर्म में, जिसको आप कह सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, जो 1 साल से पहले चुकाना होता है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स के माफी की वर्किंग कैपिटल लोन्स का भी सबसे बड़ा चंक यानी करीब 12,223 करोड़ रुपया उन्होंने भारतीय बैंकों से जुटाया है। बाकी के करीब जो 7,000 करोड़ रुपए हैं वो कई अन्य छोटे मोटे सोर्सेज से जुटा लिए गए हैं। यूं अगर आप सब कुछ जोड़े घटाएं तो जैसा शुरू में बताया था कि अडानी ग्रुप ने 36% पैसा सिर्फ भारतीय बैंकों से ही जुटा लिया है। अगस्त 2024 में CNBC की एक रिपोर्ट छपी, इसके मुताबिक अब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप को करीब 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। करीब 9,200 करोड़ रुपए का कर्ज एक्सिस बैंक ने दिया है और करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज PNB ने दिया है, पंजाब नेशनल बैंक ने। बैंकों के अलावा अडानी ग्रुप ने LIC से भी 5,790 करोड़ का कर्ज ले रखा है। क्या वजह है कि भारत के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अडानी पर इतने बड़े बड़े दांव लगा रहे हैं और लगातार लगा रहे हैं? इसका उत्तर आपको मिलेगा जब आप अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाइनेंशियल्स जानेंगे। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या कहते हैं? बेसिक लेवल पर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोग कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे कि प्रॉफिट कितना है या सेल्स कितनी है, सालाना इसमें बढ़त कितनी हो रही है, कंपनी के शेयर्स किस हाल में है, वगैरह वगैरह। तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का PNL जान लेते हैं। कंपनियों का हाल जानने के लिए अक्सर 2 तरीके के प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन सिंपल है, साल भर में कुल कमाई से कुल खर्च घटा दीजिए। तो साल 2013 में अडानी ग्रुप की कंपनियों का कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 2,500 करोड़ रुपए था 2013 में। 2022 तक बढ़ते बढ़ते करीब ये 14,500 करोड़ रुपए पहुंच गया और पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 में ये करीब 83,000 करोड़ तक पहुंच गया, यानी एक दशक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 गुना तक बढ़ गया। अब प्रॉफिट के दूसरे जो पैमाने हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट, उसका हाल भी जान लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से टैक्स, कर्ज की EMI जैसे खर्च घटाने के बाद जो असल बचत होती है
उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। साल 2009 में अडानी ग्रुप का नेट प्रॉफिट करीब 500 करोड़ था, जो 2024 में 30,000 करोड़ के पार हो गया। यानी सिर्फ 15 साल में नेट प्रॉफिट 60 गुना बढ़ गया। ये मुनाफे की बात हो गई। अब समझते हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर्स किस हाल में हैं। अडानी ग्रुप की बड़ी कंपनियों पर नजर डालते हैं। ग्रुप की पेरेंट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को जनवरी 1999 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया था। तब एक शेयर का दाम था 6 रुपये। 27 अगस्त 2024 में इसके शेयर की वैल्यू 3,070 रुपये है, यानी 25 साल में 50,620% की बढ़त। अडानी ग्रुप की एक और कंपनी अडानी पोर्ट्स, साल 2007 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। 17 साल में इसके शेयर का भाव 700% बढ़ गया है। अगली कंपनी का उदाहरण और भी मज़ेदार है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कंपनी जून 2018 में लिस्ट हुई, अभी 6 साल पहले, और सिर्फ 6 साल में इस कंपनी के शेयर प्राइस करीब 6300% बढ़ गए हैं। 29 रुपये का शेयर आज 1883 रुपये का है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि कंपनी कर्ज चुकाने में सक्षम है। आप जब भी कर्ज के लिए आवेदन करते हैं तब सबसे पहले बैंक आपकी आमदनी और आपकी संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। स्वाभाविक है, बिना आमदनी के कर्ज तो नहीं चुकाया जा सकता। वैसे ही कंपनियों के साथ भी किया जाता है। इसके लिए कंपनी के प्रॉफिट के मुकाबले कंपनी पर कर्ज कितना है इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसे डेट टू एबिटा रेशियो कहते हैं। एबिटा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। दोनों में बहुत बारीक सा फर्क है, पर समझने के लिहाज से इसे एक ही मान सकते हैं। किसी कंपनी के लिए ये रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। पिछले 5 साल में अडानी ग्रुप की कंपनियों का डेट टू एबिटा रेशियो लगातार घटा है। इसके आंकड़े आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहे होंगे। इन्हीं आंकड़ों की बात करते हुए गौतम अडानी ने 19 अगस्त को ये दावा किया कि अडानी ग्रुप के पास मौजूदा समय में इतना कैश है कि वो अगले 30 महीने तक कर्ज की भरपाई कर सकते हैं। ये है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए हुए कर्ज का लेखा जोखा। आगे जो भी होगा वो जानकारी हम आपके सामने लेकर के फिर पेश होंगे। आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड लिखा हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने, एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए। रहिए हेल्दी। सेंसोडेंट के प्रेजेंट सेहत अड्डा पावर्ड बाय USP योर रिलायबल हेल्थ केयर पार्टनर एंड डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल।